किया गया, अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, भारतीय सेना 1971 की जंग की जीत के 50 साल का जश्न स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मना रही है। 12 दिसंबर से 14 दिसंबर तक इंडिया गेट पर स्वर्णिम विजय पर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 12 तारीख से करेंगे। इस मौके पर पीएम का संदेश भी प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में 1971 की जंग में इस्तेमाल किए गए हथियारों की प्रदर्शनी, ट्राई सर्विस बैंड और अन्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 14 दिसंबर को पीएम इस विजय पर्व को देखने पहुंचेंगे। वहां पीएम पूर्व सैनिकों से भी मुलाकात करेंगे। 16 दिसंबर को विजय दिवस के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत 11 दिसंबर से होनी थी, लेकिन सीडीएस के अचानक निधन के चलते इस कार्यक्रम को एक दिन के लिए टाल दिया गया। संदीप बोल हमारे सहयोगी फोन लाइन पर मौजूद है। संदीप, ये जो जश्न है इसको विजय दिवस के तौर पर मनाया जाएगा, क्या क्या कार्यक्रम होने वाला है? देखिए, 50 साल जो हो रहे हैं 1971 की जंग की जीत है, जश्न जो है वो स्वर्णिम विजय वर्ष के तौर पर मनाया गया। पूरे साल भर जो है ये जश्न चला, अलग अलग लोकेशंस पर जो है मशाले लेके जाई गई यहाँ से, उसके बाद जो है हर एक जगह अलग अलग कार्यक्रम। तो अब इसका समापन है, यानी कि 16 दिसंबर को इस पूरे इस पर्व का समापन है। उसी के तहत जो है एक बड़े बड़ा कार्यक्रम जो है रक्षा मंत्रालय की तरफ से आयोजन किया गया है, जिसमें कि 11 तारीख से लेकर जो है 14 तारीख तक ये कार्यक्रम इंडिया गेट पर चलेगा। और इस कार्यक्रम में 1971 में की जंग के दौरान इस्तेमाल में लाए गए वो सारे हथियार जो कि इस वक्त वहां पे लगाए गए हैं, और खास बात ये कि प्रधानमंत्री खुद जो है 16 तारीख को अमर जवान ज्योति पर जाएंगे, वॉर मेमोरियल में जाएंगे, श्रद्धांजलि देंगे। साथ ही 14 तारीख को इस पूरी प्रदर्शनी और इस पूरे जो कार्यक्रम जो आयोजित किया गया उसको भी देखने जाएंगे। और एक्स सर्विसमैन जो वहाँ पे मौजूद उस वक्त जो है 71 की लड़ाई में जो पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था उनसे भी बातचीत करेंगे। ठीक है।